की खबरें। लगातार शबरी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, अलर्ट मोड पर स्थानीय प्रशासन है। कोंटा सीडब्ल्यूसीओ ऑफिस पर पहुंचकर अधिकारियों ने जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को अलर्ट भी किया गया है। नगरवासियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। शबरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब जो है सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों ने वहां पर अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सुकमा लगातार जो है सुकमा में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर और पानी का भराव बहुत ज्यादा है। अलर्ट मोड पर स्थानीय प्रशासन आ चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यनारायण चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, शबरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और वहां के आसपास के इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। जी, आपको बता दूं कि लगातार बारिश हो रही है और साथ ही साथ जो है सीमावर्ती प्रदेश तेलंगाना की गोदावरी नदी उफान पर है। वहां पर गोदावरी नदी का जल स्तर जो है 52 फीट पहुंच गया है और सेकेंड डेंजर लेवल तक पहुंच गया है, जिसका असर जो है शबरी में देखने को मिल रहा है। कोंटा जो है, कोंटा बॉर्डर इलाका है, वहाँ पे शबरी उफान पर है और करीब जो है पहले डेंजर लेवल पर शबरी पहुंच गई है। वहाँ पर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार जो है राहत शिविरों में राहत शिविर बनाए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि अगर पानी घरों में घुसे तो अपना सामान लेकर राहत शिविर पहुंचे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो सूचनाएं दें। जी जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवपुरी में पिछले एक दिन से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिसके कारण लोग खासा परेशान हैं। हालांकि नगर पालिका के कई दल जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी निकालने में लगे रहे, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिली। आपको बता दें कि शिवपुरी में कभी तेज कभी धीमी बारिश लगातार हो रही है। दमोह से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जो हैरान करने वाली है। पुल पार करने के दौरान लोग बह रहे हैं और मौत के मुंह में समा रहे हैं। इसके बावजूद लोग पुल पर बह रहे पानी को चार पहिया और दो पहिया वाहनों से पार करने में नहीं चूक रहे। ये तस्वीरें दमोह पथरिया मार्ग की हैं। बारिश के बाद सुनार नदी का जलस्तर बढ़ गया है, पुल पर से पानी बहने लगा है। इसके बावजूद लोग पुल से निकलने से नहीं चुके। दो पहिया वाहन चालक और चार पहिया वाहन चालक पुल को पार करते नजर आए। छत्तीसगढ़ में आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों के अस्पताल में रोजाना 20 से 25 संक्रमित मरीज आ रहे हैं। धमतरी, मुंगेली और कोरबा में स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश भी जारी किए हैं। लक्षण दिखने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र जाकर डॉक्टर से इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि जरूरी उपचार और सावधानी रखकर खुद को आई फ्लू से दूर रखा जा सकता है। तस्वीरों में देख सकते हैं धमतरी, मुंगेली और कोरबा के जिला अस्पताल में आई फ्लू के मरीज की कतार लगी हुई है। कल हल्का से खुजली हुआ, उसके बाद फिर आंख लालिमा आए, उसी के चेकअप कराने निकला है। वो आंख लाल हो जाता है और खुजलाने से वो चुभता है। कब से ये समस्या और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अभी 2-3 दिन हुआ है। ये कोई नया रोग नहीं है, ये कंजक्टिवाइटिस है, जो आंखों का इन्फेक्शन है। ये साल में लगभग 1-2 बार होता ही है, मतलब जिसको अपन कॉमन भाषा में आई फ्लू बोलते हैं। ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, दूषित पानी से होता है, दूषित हवा से होता है। तो इस समय कैद खाने हैं बिन सलाखों के, कुछ यूं चर्चे हैं तुम्हारी आंखों के। यूं तो ये किसी शायर की दो पंक्तियां हैं, लेकिन अगर बात आंखों की जाए तो इन दिनों आंखों पर कंजक्टिवाइटिस की कैद जरूर हो गई है। नवजात बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में ये इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। कंजक्टिवाइटिस ने खंडवा को चपेट में लिया। खंडवा के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की ओपीडी में 80% से ज्यादा मरीज आंखों में जलन की समस्या लेकर आ रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि 2 दिन की बच्ची से लेकर युवा और बुजुर्ग तक इस इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। ये इन्फेक्शन किसी एक को होने पर उसके संपर्क में आने वाले या संक्रामक व्यक्ति द्वारा उपयोग में लिया गया रूमाल या अन्य सामान उपयोग के लेने पर भी
इन्फेक्शन फैल रहा है, ऐसे में एहतियात बरतना जरूरी है। मेरा नाम जयश्री है, मैं पोती को लेकर आई हूँ, उनकी आंख में इन्फेक्शन हो रहा है, दवाई गोली लिखी है डॉक्टर ने, ड्रॉप और ट्यूब। क्या कहा डॉक्टर ने? कहा इन्फेक्शन है, आंखों में जलन हो रही है, पानी निकल रहा है, आंखें चिपक रही है, आंखें लाल हो रही है। डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने जांच करी है, जांच करने के बाद उन्होंने टी ओ ड्राप लिखा है, हर एक घंटे में ड्राप डालना है, दो बार टी ओ लगाना है और काटन से रूस आंखों को साफ करना है। पहले बहुत पहले होती थी ये बीमारी, उसके बाद ये फिर अब चालू हुई है 15 दिन से, छोटे वाले बच्चों को सबको हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, आंखें लाल हो रही है। 200-250 मरीज आ रहे हैं, जिनमें से 180 से ऊपर ले लेते हैं, 150-180 मरीज कंजंक्टिवाइटिस के अकेले ही आ रहे हैं। ये मौसम खराब होने की वजह से, मौसम क्योंकि बारिश भी हो रहा है, गर्मी भी हो रहा है। रायपुर में युवक को बाइक पर स्टंट करना भारी पड़ गया, पुलिस ने युवक का 4,300 रुपए का जुर्माना लगाया। अनुज नरमलकर नाम का ये युवक नवा रायपुर में स्टंट कर रहा था। बलौदाबाजार से बड़ी खबर की बात करेंगे। कोचिंग सेंटर में बच्चे की पिटाई का वीडियो अब वायरल होने लगा है। वायरल वीडियो पर एसएसपी दीपक कुमार झा का बयान आया, बलौदाबाजार जिले का नहीं है वायरल वीडियो, एक साल पहले बिहार के पटना का ये वीडियो है। एसएसपी ने भ्रामक वीडियो पोस्ट नहीं करने की अपील की है। बलौदाबाजार में पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा था। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का उद्घाटन, पीएम मोदी ने ड्रोन उड़ाकर किया इनॉग्रेशन। कन्वेंशन सेंटर में 9 और 10 सितंबर को होगी 18वीं G20 बैठक। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज तक के लिए रोक बढ़ाई, आज फिर होगी मामले की सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने लगाई है सर्वे पर रोक की मांग। मॉनसून सत्र से निलंबित होने के बाद प्रदर्शन कर रहे सांसद संजय सिंह को सोनिया गांधी ने दिया समर्थन, आप सांसद ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले मणिपुर हिंसा बीजेपी प्रायोजित। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के लगाए आरोप, कहा ईडी सीबीआई और आईटी एनडीए के 3 मजबूत दल। भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू के निकाह पर अब भी सस्पेंस, अंजू ने इस्लाम कबूल कर निकाह करने की खबरों को किया खारिज, निकाह पढ़ाने वाले ने दावों को बताया सच। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा विक्रम बरार गिरफ्तार, एनआईए ने यूएई से दबोचा, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सिद्धू फरार, विक्रम पर राजस्थान पंजाब हरियाणा और दिल्ली में दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। यूपी के नोएडा में हिंडन नदी ने मचाई तबाही, इकोटेक 3 के पास पानी में डूबी सैकड़ों गाड़ियां, 10 से 12 गांवों में बाढ़ जैसे हालात। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही है।